सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 119। एक वृत्त खींचो जो दिए हुए वृत्त को बिंदु Q और वृत्त के बीच दिए बिंदु R पर स्पर्श करें। सबसे पहले हमें वृत्त दिया हुआ है तो हम एक वृत्त ले लेते हैं। यहाँ पे हमने वृत्त लिया है, इस वृत्त का नाम है P वृत्त है। अब ये क्या कह रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु दिया हुआ है Q, तो हम यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं Q, ये हमने मान के ले लिया। और ये क्या कह रहा है कि वृत्त के बीच दिए बिंदु R, इसी के अंदर एक बिंदु दिया हुआ है R, ये इस तरह से बता रहा है। तो हमने क्या करना है, यहां से हमने वृत्त लगाना है इसके बीच में। अब कैसे लगेगा, जो यहां भी स्पर्श करेगा Q को और R को भी स्पर्श करेगा, तो हमने यहाँ पे वृत्त लगाना है। कैसे लगाएंगे, अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपके पास दो पॉइंट दिए हैं ना, इनको हम आपस में मिला देते हैं, R और Q पॉइंट डॉटेड हम इसको मिला देंगे। और हमने क्या करना है, Q और R का आधा करना है, क्योंकि हमें आधा तो लेना ही पड़ेगा ना, तभी हम यहाँ ऐसी जगह कहीं प्रकार रखेंगे ताकि यहाँ और यहाँ तक हमारे जो प्रकार बराबर खुले। तो हमने इसका आधा करना है, ये जो आपकी रेखा आ रही है, और आधा करना आपको सबको आता ही है। हमने रेखा जो भी हम लेते हैं उसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं और हम जो है वो चापे लगा देते हैं। इस तरह से हम चाप लगा देंगे जहां पे ये चापे आपस में कट रही है, यहाँ पे हम जो है इसको मिला देते हैं आपस में इन चापों को। इस तरह से उनको डॉटेड मिला देंगे। और अब हमने क्या करना है, हमने P और Q, ये जो पॉइंट हमारे है मींस इस वृत्त का जो सेंटर है, ये आपका सेंटर है P, तो हमने इसको Q के साथ मिला देना है। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास ये समद्विभाजन वाली रेखा और आपके P और Q वाली रेखा जहां आपस में मिल रही है, यहां पे मिल रही है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं O। अब आपने क्या करना है, O पॉइंट पर प्रकार रखो, R जितनी प्रकार खोल दो चाहे Q जितनी प्रकार खोल दो, ये बिल्कुल बराबर होगा। और यहाँ से आपने जो है वो वृत्त लगाना है। ये आप देखिए बिल्कुल दोनों पॉइंटों को छूता हुआ, ये देखिए आप वृत्त लगेगा, ये आपका उत्तर का जो है वो वृत्त है। अब देख सकते हैं ये वृत्त आपका लाइट है और ये जो आपका वृत्त है ये बिल्कुल डार्क है। ये आपका बन के तैयार हो गया है। ये आपका प्रश्न नंबर है 119। अगला आपका है प्रश्न नंबर 120। एक वृत्त खींचो जो दिए हुए वृत्त को R बिंदु और वृत्त के बाहर P बिंदु पर स्पर्श करें। तो सबसे पहले हमें एक बिंदु वृत्त दिया हुआ है तो हम एक वृत्त ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमने वृत्त ले लिया है और इस वृत्त का नाम हम दे देते हैं O। अब ये क्या कह रहा है कि इसके ऊपर एक बिंदु दिया हुआ है R और एक बाहर जो है वो बिंदु दे रखा है यहाँ पे P, तो यहाँ हम ले लेते हैं बिंदु P। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमने एक ऐसा वृत्त लगाना है जो P बिंदु को भी स्पर्श करे और R बिंदु को भी स्पर्श करें, जैसे हमने पहले बनाया था, ये वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें फर्क है, बस वो जो है ना क्या बोलते हैं अंदर से घेर रहा था और ये बाहर से जिसको छू रहा है, इतना सा इसमें फर्क है। तो मेथड वही है, सबसे पहले जो हमने पॉइंट लिए हैं, बिंदु लिए हैं,
इन बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं और जो रेखा हमारे पास आ रही है इस रेखा का हम संधि भाजन कर देते हैं। इस तरह से हम इनको मिला देंगे। इस तरह से ये हमने मिला दिया। और हम क्या करेंगे, ओ और आर ये जो दो पॉइंट आ रहे हैं, एक सेंटर है वृत्त का और एक वृत्त पे हमने लिया था, इनको भी हम आपस में मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं ये। और अब हमने क्या करना है, ओ और आर जो हमारे पॉइंट है इस रेखा को हमने बाहर बढ़ा देना है। इस तरह से बाहर को हम इस रेखा को बढ़ा देंगे और जहां तक हमारा संधि भाजन की रेखा है वहां तक हम इसको लगा देंगे इस तरह से। और जहां ये दोनों रेखाएं आपस में कट रही है ये पॉइंट हमारा आ गया एम, ये पॉइंट हमारा एम आ गया। अब हमने क्या करना है, जहां पे रेखाएं मिल रही पॉइंट एम आ गया, अब आपने क्या करना है एम पर प्रकार खो और आर जितनी प्रकार खोल दो या पी पॉइंट जितनी प्रकार खोल के हमने यहां से ब्रेथ लगाना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा वृत्त बन के तैयार हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न है 120, ये हमारा बन के तैयार हो गया है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और यहाँ भी बना हुआ है ये। और हम यहाँ जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में कट रही है यहाँ पॉइंट है एन, ये आपका बन के तैयार हो।